Hi friend, good morning, welcome back to my channel. तो अभी मैं उठ गई क्योंकि और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज संडे है. संडे एक दिन ऐसा होता है कि मुझे बहुत खुश होते हैं, वरना मंडे से लेके सैटरडे तो मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मैं इतने बिजी रहती हूँ. तो आज संडे है, मैं बहुत खुश हूँ और इतने तन भर गए ना कि मैं तो रजाई के अंदर से निकलने को मन नहीं कर रहे, पर भी उतना तो पड़ेगा ना. आज संडे है तो मुझे थोड़ा काम भी है, रूम वूम साफ करना है और थोड़ा बहुत काम है. तो सबसे पहले तो अभी मैं उठ जाऊँगी, प्रेस अप हो जाऊँगी, उसके बाद फिर मिलते हैं. ओके, तो मेरा तो सब काम हो गई और मैं नहा भी लिया. तो अभी मैं ग्रीन टी बनाऊंगी क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह ग्रीन टी पीने का आदत है. ग्रीन टी पीना चाहिए, हेल्दी होते हैं. तो चलिए किचन. तो अभी मैं ग्रीन टी मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी. क्लाउडी है आज तो. ओके फ्रेंड, तो मैं अपना ग्रीन टी की आनंद उठाऊंगी. तो पहले मैं ग्रीन टी पी लूंगी, फिर थोड़ा सा मैं पढ़ाई करूंगी क्योंकि मेरे सब काम वाम तो हो गए. तो मैं अभी थोड़ा सा पढ़ाई करूंगी, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी. आप देखते रहिए मेरा वीडियो. मैं ना भूल गई थी क्योंकि मैं दी गांव चले गए, मुझे बोला कि उसके जो घर में पूल वगैरह को पानी देने के लिए बोला, और मैं एकदम से भूल गई. जस्ट अभी याद आया तो मैं दी के घर जा रही हूँ, दी के पूल को पानी दे देने और घर को भी थोड़ा देखती हूँ कि और फिर क्या. आज तो संडे है, मस्ती करेंगे. ओके, तो ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ हमारा ब्रिज. देखिए कितना सुंदर है ये ब्रिज. और वो रहा दी के घर जो दिखाई दे रहे हैं, वो रहा दी के घर. और तो फिर अभी मैं जाऊंगी दी के घर. जब बारिश होती है तो ये पानी इतने बड़े हो जाते हैं, कितने जल्दी, मतलब बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं पानी बारिश होने के बाद. तो अभी तो धूप भी नहीं है, क्लाउडी है. तो ठीक है, मैं दी के घर चलती हूँ, वरना कहीं मैं ये ब्रिज से गिर ना जाऊँ. नो, इतने थोड़ा ओल्ड हो गए ये भी, इतना नया भी नहीं है. तो ठीक है,
और वो रहा मेरा रेन जो ब्लू कलर के थोड़ा सा दिख रहे हैं ना वाला। ओके मैं ब्रिज से उतर गई। यहाँ पे दी के घर जा मतलब दी के घर में जाने के लिए दो ही रास्ता है, एक है शॉर्ट कट और एक है लॉन्ग कट। और लॉन्ग कट से मैं कभी जाती नहीं, कितनी देर लगते जब लॉन्ग कट करते तो मैं ब्रिज से नीचे उतर गई। देखिए मेरा पीछे ब्रिज है, मैं आपको दिखाऊंगी नीचे से कैसा दिखाई देते ब्रिज। देखिए इस कदर दिखाई देते ब्रिज, वैसे डरावना तो है। और वो रहा मेरा रेंट जो ब्लू कलर दिखाई दे रहे हैं। देखिए ब्रिज पे कितना लोग चल रहे हैं। मैं सोच रही थी कि धूप फेंकूंगी मगर मुझे देख के धूप भाग गए, क्लाउडी हो रहे। ओह माय गॉड, देखिए मैं कुछ दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ तो इसे बगोरी कहते हैं। आप बताइए आपके गांव पे आपके शहर पे इसे क्या कहते हैं। रुकिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। वो अभी तो फिलहाल कच्चा है, पाका नहीं है, फिर जब पाकेंगे तो मैं खाने आ जाऊंगी। इस पे नज़र है मेरा, मैं खाने ज़रूर आऊंगी। तो अभी मैं दी के घर पहुंचने को है। दी के घर पहुंचने को है और मुझे बहुत तकलीफ होती है। दी के घर जब आते हैं तो कितना सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है। तो फाइनली मैं दी के घर पहुंच गई यार, कितना ज़्यादा सीढ़ियां चढ़ के यहाँ तक पहुंच गई। तो दी के घर तो पहुंच गए हैं। आऊंगी मैं दी के घर। ओह दी के घर बाहर पुल है, वही मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी मैं दी के घर जाऊंगी। ओके बाय, फिर मिलते हैं। बाद फिर मैं रजाई के अंदर घुस गई क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और बारिश भी हो रही है। पहले तो सुबह तो थोड़ा क्लाउडी हो रहे थे, जब मैं दी के घर से वापस आते समय को बारिश स्टार्ट हो गए थे, तो बाहर बहुत ठंड थे। तो आने का साथ में फिर रजाई में घुस गए। तो अभी मुझे बहुत भूख लग गई, तो मैं कुछ पका के खा लेती हूँ क्योंकि अभी समय भी ज़्यादा हो गए। क्योंकि मैं सुबह काम वाम करके दी के घर चले गए, फिर वहाँ से आके फिर थोड़े से मैं लेट गई, रील्स वगैरह देखा। उसके बाद तो अभी बहुत तेज़ भूख लगने लगे, तो चलती हूँ मैं किचन कुछ पकाने। देखते हैं किचन पे क्या है, क्या पकाऊँ मैं। तो जो मैं बार बार बोल रही हूँ संडे है
तो संडे को मैं अपना आप मस्ती करूंगी, आई डोंट नीड एनी पर्सन। सो मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं है। ओ या उसके बाद मेरी मेरे क्रिसमस टू ऑल माय फ्रेंड, क्योंकि आज क्रिसमस है, तो आज क्रिसमस भी है तो भी मैं कुछ स्पेशली बनाऊंगी सोच रही थी, मगर तेज भूख लग रही, पता नहीं क्या बनाऊंगी। ठीक है, चलती हूँ मैं किचन पे। बाहर देखिए बारिश हो रही है, और ठंडे के मौसम बहुत तंग हो रहे हैं, इसीलिए बारिश होने के कारण। आज दी के घर के तो यहाँ से मेरे किचन के खिड़की से आराम से दिखाई दे रहे हैं। बाहर देखिए कितना अंधेरा हो गया, ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है। अभी सुबह का 10 बज गए मगर ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है। देखिए ओ किसी ने तो लाइट भी ऑन करके रखा हुआ है। ओ माय गॉड, ये बारिश की वजह से ऐसा लग रहा है बहुत रात ही हो रहा है। अभी तो केवल 10 ही बज रहा है, सुबह का 10। वो भी मैं बनाऊंगी अंडा भुजिया, देखते हैं कितना तेज होंगे। ओके मैं बना लेती हूँ, बहुत दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में। ओ वाह, मेरा अंडा भुजिया तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। ओ माय गॉड, और मेरे पराठा। सॉरी गाइस, कितने मेसी है मेरा किचन, कोई ना, बाद में साफ कर लूँगी। ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं, और मौसम भी सही होने को है, धूप आ रही है थोड़ा थोड़ा। आप मेरा इस अंडा भुजिया को खाएंगे ना, बहुत टेस्टी लग रहे हैं, टेस्टी तो होंगे ही, आखिर मैं बना रही हूँ। ठीक है, फिर मैं जल्दी से बनाऊंगी, बहुत तेज भूख लग रहे हैं। इस ठंड के मौसम में चाय नहीं पिया तो क्या पिया, सो बारिश है साथ में चाय, चाय नहीं तो क्या पिया। तो चाय भी हो गए, तो सब्जी भी पक्के हो गए, और मेरा सब ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट हो गए, फिर अभी मैं खाऊंगी। हो गए मेरा ब्रेकफास्ट रेडी, मैं आपको दिखाऊंगी। ओ गर्मा गर्मा अंडा, अंडा भुजिया, और एक सेकेंड, और यह है रोटी, अभी मैं इसे परोसूंगी। एक सेकेंड, अभी लो चाय भी आ गए। ओह माय गॉड, संडे स्पेशल, देखिए अभी मैं इसे खाऊंगी। ओके मेरा ब्रेकफास्ट है तैयार विद चाय। एक सेकेंड, मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी। चलिए पेट पूजा करते हैं। ये बहुत टेस्टी, आप भी ट्राई कर सकते हैं अंडा भुजिया और
रोती हूँ एंड और चलो चल जल्दी से मैं खाती हूँ, बहुत भूख लग रही है, बहुत टेस्टी है। पता मुझे इसलिए संडे बहुत पसंद है होते हैं क्योंकि संडे में अपना मर्जी करते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, आराम से शांति से खा सकते हैं, क्योंकि आदर्श डे पे तो ऑफिस जाना पड़ता है, हर चीज़ जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो समय मिलते नहीं है। तो मेरे लिए तो संडे बेस है, संडे को मैं अपनी मर्जी करती हूँ। कभी कभी बोर होते, अकेला रहती हूँ ना और कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं रहते हैं घर पे, अकेला रह रह के बहुत बोर हो जाते हैं, मगर मैं एंजॉय करती हूँ अकेलापन को। ओके मैं खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं। मैं बहुत जल्दी आ गई, तो वेट कर रही हूँ कब खोलेंगे गेट और मैं अंदर चली जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे नेशनल सिनेमा हॉल, ओह कैसे दिखा उसी देखिए। तो तो मैं पहुंच गई नेशनल सिनेमा हॉल मूवी देखने। मैं बार बार बोल रही हूँ कि संडे है, संडे है, तो संडे है तो मस्ती तो बनते हैं ना। तो मैं आ गई सिनेमा हॉल, तो मैंने अपना टिकट ले लिया। तो फिलहाल तो मैं बाहर वेट कर रही हूँ क्योंकि सो टाइम तो है 12:15 और मैं जल्दी आ गई, अभी तक 12 हुआ नहीं। तो अकेला ही संडे एंजॉय कर रही हूँ, कोई नहीं, कभी कभी अकेला ही भी एंजॉय करना चाहिए, यू नो अच्छे लगते हैं। तो बहुत भीड़ हो रहे है धीरे धीरे। तो सो और आज का मूवी है अवतार 2। यू नो व्हाट, मुझे बहुत मन कर रहा था, देखने का मन कर रहे थे, कोई फ्रेंड भी नहीं था, तो आज संडे है तो मुझे लगा कि मैं आज ही देख लेती हूँ। अकेला हुआ तो क्या हुआ, खुद एंजॉय करेंगे। तो फिर अभी तो सब टिकट ले रहे, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। ओके तो मैं वेट करूँगी टाइम का, तो बताऊँगी देखने के बाद मूवी का रिव्यू कैसा है कैसा नहीं है। तो ठीक है फिर मैं अभी थोड़ा वेट करूँगी, फिर अंदर चले जाऊँगे। ओके हाय।
मूवी देख के आ गई, तो आप देख सकते हैं इतने रात हो गए, मेरा शक्ल भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं घर आ गई थी, तो मैं अभी डिपार्टमेंट स्टोर जा रही हूँ, मतलब मेरे घर के पास में ही है, तो मुझे किचन का कुछ सामान लेना था तो मैं लेके आऊँगी। मैं जा रही हूँ अभी क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा है, मुझे जल्दी जाना होगा, तो ठीक है मैं अभी जल्दी जल्दी जा रही हूँ। ठीक है, देखिए इतना शाम हो गए मगर कोई नहीं, मेरे घर के सामने है तो आप देख सकते हैं पहाड़ ही पहाड़ है और शाम हो गए। मेरा बगल मेरे घर के पास पे ही है डिपार्टमेंट स्टोर, मैं किचन के सामान कुछ लेना था मेरे ख़त्म हो गए, तो मैं जा रही हूँ।